हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ जो हमारा किन्नौरी शॉल स्टॉल छलनी होता है वो शेयर कर रही हूँ। मेरे पास उसके किस किस तरह के कलेक्शन है वही मैं आपको दिखा रही हूँ। तो स्टॉल और शॉल ये सारी चीज़ें दिखाने से पहले मैं आपको एक बात कह दूँ, मुझे कमेंट आ रहे थे कि आप टोपी बनाना सिखाए, टोपी का डिज़ाइन सिखाए, तो उन सभी से मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मैं सिखा नहीं पा रही हूँ, क्योंकि जो मेरा राइट हैंड है ये देखिए, उसमें जो है ये प्लास्टर लगा हुआ है, फ्रैक्चर हो गया था, तो अभी मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। जब ये निकल जाएगा तो मैं उनको टोपी बनाना सिखा दूँगी। किन्नौरी ड्रेस में और भी बहुत सारे शॉल स्टॉल वगैरह बनाते हैं, पर मेरे पास जो है मैं आपको वो दिखा रही हूँ। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको स्टॉल दिखाती हूँ, मेरे पास 3 स्टॉल है। अब मैं आपको उसके डिज़ाइन दिखाती हूँ। पहला मेरे पास ये देखिए ब्लैक कलर का स्टॉल है, और उसमें ये देखिए बीच में इस तरह से बुना हुआ है, देखिए इस तरह से बनाया हुआ है। और इसका जो डिज़ाइन है वो देखिए, इसमें देखिए नीचे से एस और प्लस निकाला हुआ है, बीच में बड़ा डिज़ाइन है, ऊपर भी सेम है, और एक और इसमें छोटा सा डिज़ाइन निकाला है। और इसमें इस तरह से देखिए दूर दूर छोस्तन लगाया हुआ है, इस डिज़ाइन को छोस्तन बोलते हैं। एंड जो साइड का जो पार्ट है इसका, ये देखिए इसमें ना सिंपली धागा लगाया हुआ है, ब्लैक कलर का है, बहुत प्यारा स्टॉल है ये। जितने भी शॉल स्टॉल मैं दिखा रही हूँ आपको, ये सारा मेरी मम्मी ने बनाया हुआ है, मेरी मम्मी बुनाई का काम करते हैं। तो ये देखिए डिज़ाइन आपको लगभग लगभग सेम सेम ही मिलेंगे। नेक्स्ट जो स्टॉल है वो ग्रीन कलर का है, आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि ब्लैक और ग्रीन में क्या फ़र्क था। देखिए इसमें 2 डिज़ाइन निकाला हुआ है बड़ा बड़ा, इसमें थोड़ा एक वाला जो डिज़ाइन है वो छोटा निकाला है, ऊपर और नीचे टी निकाला हुआ है, बीच में बड़ा डिज़ाइन निकाला है, और यह एक प्लस निकाला हुआ है, प्लस का डिज़ाइन। और यहाँ पर देखिए छस्तन नहीं है, ब्लैक में यहाँ से छस्तन था दूर दूर लगाया हुआ, और यहाँ पर नहीं है। और साइड में देखिए बिल लगाया हुआ, इसको बिल बोलते हैं हमारे किन्नौरी में, मतलब ये पूरा जो भी जितना भी जितना इसका लेंथ होता है उतना ही लेंथ में ये भी डाला होता है बिल। तो ये देखिए कितना सुंदर है, ये बिल लगा के बहुत सुंदर लगता है कोई भी स्टॉल शॉल हो। ये देखिए इसमें ना ये वाला जो डिज़ाइन है वही डिज़ाइन हमने साइड से निकाला हुआ है। तो ये देखिए इस तरह से इसके डिज़ाइन रहते हैं, बहुत सुंदर लगता है ये वाला। और ये हमारे किन्नौरी में इसको हरा स्टॉल बोलते हैं, हरा ये सारा स्टॉल है। ये देखिए इसमें भी बीच बीच में इस तरह से डिज़ाइन निकाला है अलग अलग, और शॉल थोड़ा बड़ा होता है और स्टॉल थोड़ा छोटा होता है। मैं इसको आपको खोल कर दिखाती हूँ। ये देखिए इसकी चौड़ाई, ये लगाने के बाद थोड़ा चौड़ा ज़्यादा हो गया, नहीं तो ये यहाँ से यहाँ तक था, और शॉल थोड़ा ज़्यादा चौड़ा होता है। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है इसका बॉर्डर, इसमें ना छस्तर नहीं है। नेक्स्ट दिखाती हूँ मैं आपको स्टॉल, ये देखिए ब्राउन स्टॉल है मेरे पास, और इसमें भी नीचे की ओर से छोटे डिज़ाइन डाला हुआ है, बीच में बड़ा डिज़ाइन है, ऊपर फिर छोटा डिज़ाइन है, और इसमें जो छोस्तन है देखिए बिल्कुल नज़दीक नज़दीक निकाला है लाइन से, और बहुत सुंदर लग रहा है ये वाला। इसमें भी बीच में डिज़ाइन लगाया, और साइड में जो बॉर्डर है इसमें नहीं लगा हुआ है, बॉर्डर तो हम बाद में भी इसमें जोड़ सकते हैं। ये देखिए इसका जो डिज़ाइन है, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, छोस्तन ना नज़दीक नज़दीक निकाला है तो बहुत अच्छा लग रहा है। 3 ही था मेरे पास स्टॉल, एक स्टॉल मेरे पास ये देखिए दुकानदार से वो निकाला डिज़ाइन निकाला हुआ है, और ये अंगूरा का है। अब अंगूरा और सिंपल स्टॉल में मैं फ़र्क दिखाती हूँ आपको। ये देखिए अंगूरा में जो है ना बीच बीच में वाइट वाइट सा लगा होता है, और जो सिंपल होता है उसमें देखिए कुछ नहीं होगा, बस सिर्फ ये होगा ऊन का बना हुआ हमारा जो लोकल। और इसमें देखिए थोड़ा थोड़ा बीच बीच में वाइट वाइट है, तो इसको अंगूरा बोलते हैं। शॉल मेरे पास 2 ही है, ब्राउन और ग्रीन कलर का। मेरा स्टॉल और शॉल में ना सब में इस तरह से बीच बीच से निकाला है मम्मी ने। मैं शॉल दिखाती हूँ आपको पहले ग्रीन वाला, ये देखिए
शॉल थोड़ा चौड़ा होता है, ये देखिए इसमें ना एक डिज़ाइन निकाला हुआ है, ऊपर नीचे कोई डिज़ाइन नहीं है, और इसमें भी छस्तर निकाला है बीच बीच में, और साइड में जो बॉर्डर है इसमें नहीं है। आप इसको बॉर्डर को ना बाद में भी लगा सकते हैं, हम तो बाद में भी इसमें हम जोड़ देते हैं बॉर्डर को। देखिए इस तरह से इस शॉल का डिज़ाइन है पूरा, और डिज़ाइन जो है बहुत सुंदर सुंदर डिज़ाइन है इसमें। एक मेरे पास ये ब्राउन वाला भी शॉल है, ये भी सिंपल ही है, इसमें बॉर्डर वगैरह कुछ नहीं बनाया हुआ है, पर दोनों में जो डिज़ाइन है वो अलग अलग निकाला हुआ है। ये देखिए इस तरह से डिज़ाइन है, इसमें बड़ा डिज़ाइन निकाला हुआ है, ये मम्मी ने तब बनाया था जब वो स्टार्टिंग में सीख रहे थे, और देखिए कितना अच्छा बनाया हुआ है सीखते टाइम भी, और इसमें भी छस्तर निकाला है दूर दूर सा। कलर बहुत ही अच्छा मैच किया हुआ है इसमें, तो देखिए इस तरह से। अब मैं आपको दिखाती हूँ छलनी, इसको छलनी बोलते हैं, ये मेरे पास इसको ना पाटले छलनी बोलते हैं, ये मेरे पास तीन है। अगर आपको मेरा दोड़ू वाला कलेक्शन भी देखना है तो मुझे कमेंट में बताइए। अब मैं इसको एक बार साइड रखती हूँ, पहले ये पाटले वाला दिखाती हूँ। देखिए ये देखिए, ये बड़ा डिब्बी वाला है ये, और ये बड़ा डिब्बी वाला है, और ये छोटा डिब्बी वाला है। तब अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका डिज़ाइन कैसा है। तो जो ये वाला शॉल है ये तो हमने ख़रीदा था, ये देखिए इसमें डिज़ाइन कितना सुंदर है, इसमें ना एक दो तीन डिज़ाइन निकाला है, फिर टी निकाला हुआ है ऊपर नीचे, और बीच में छस्तर निकाला है ये देखिए, और इसमें साइड से बॉर्डर भी लगाया हुआ है। बॉर्डर में वही डिज़ाइन निकालते हैं जो हम यहाँ निकालते हैं, तो इसमें देखिए चारों तरफ से बॉर्डर लगाया हुआ है, और बीच में इस तरह से प्लस प्लस सा बनाया हुआ है रेड कलर का। ये आज इसके अलावा एक छलनी होता है लिंक से छलनी, आजकल वो भी बहुत चला हुआ है, तो इसमें देखिए इस तरह की डिज़ाइन है। ये हमने भावनगर से ख़रीदा था, भावनगर में एक शॉप है मेरी बुआ की, वहाँ से लिया था। और जो दूसरा वाला जो पाटले है इसमें और उसमें मैं फ़र्क दिखाती हूँ आपको। ये देखिए इसमें सिर्फ ना एक ही डिज़ाइन लगाया हुआ है, ना छस्तर लगाया हुआ है और ना बीच में बनाया हुआ है, और ना इसमें बॉर्डर लगे हुए हैं, इसमें सिर्फ एक ही डिज़ाइन लगा हुआ है। और ये मेरी मम्मी ने ही बनाया था, ये वाला भी डिज़ाइन अलग अलग है इसमें, और इसमें देखिए इस तरह से था, इसमें चार पांच डिज़ाइन लगाए थे छोटे छोटे और बड़े भी, और इसमें सिर्फ एक ही डिज़ाइन लगाया हुआ है, और बीच का इसमें और इसमें दोनों में सेम है, इसमें छस्तन भी नहीं है। इसको हम ऐसे ही रफ़ टाइम में जैसे कोई मेले में जा रहा है तब पहनते हैं ज़्यादातर, इसको हम ज़्यादातर शादी में वगैरह पहनते हैं। और जो तीसरा शॉल है ये पटले छोटी डिब्बी वाला, इसमें देखिए इसमें भी डिज़ाइन थोड़ा ज़्यादा निकाला हुआ है, एक दो तीन डिज़ाइन निकाला है, ये मिक्स डिज़ाइन है एस और प्लस का, और ऊपर छस्तर नहीं निकाला है, इसमें भी इस तरह से बीच में धागे से ही सिला हुआ है, इसको धागे से सिलते हैं, और बीच में ना वो रेड कलर की पट्टी नहीं लगाई है, साइड के बॉर्डर भी नहीं है इसमें, पर हम बॉर्डर को बाद में इजीली इसमें लगा सकते हैं, तो ये भी बहुत प्यारा लगता है देखिए इस तरह से। अब मैं आपको एक और शॉल दिखाती हूँ जो है लाड़ी का शॉल, छलनी सॉरी। तो ये देखिए ये होता है हमारी लाड़ी का छलनी, जब हमारी शादी होती है तब हमारे को इसको पहनाते हैं। इसमें देखिए कितने डिज़ाइन है, एक दो तीन तो बड़े डिज़ाइन है, फिर बीच में प्लस डाला हुआ है और छस्तर डाला हुआ है, बॉर्डर भी इसमें लगा हुआ है, और बीच में भी देखिए इस तरह से बनाया हुआ है। तो ये भी हमने ख़रीदा था और बहुत सुंदर सा छलनी है ये। तो वीडियो कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।